हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। तो अभी 5 बजने वाला है और मैं जाने वाला हूँ डिमना लेक। पर्ना ब्लॉक जा चुका है पहले, तो इसलिए मैं फटाफट रनिंग करते हुए जाऊँगा। आज टाइम वगैरह नहीं देखूँगा, फटाफट ग्राउंड पहुँचूँगा आज। तो ग्राउंड पहुँचने में यहाँ से 10-12 मिनट लगता है, तो 10-12 मिनट रनिंग करूँगा। मतलब तो ये थोड़ा लंबा रनिंग हो, 3 किलोमीटर आसपास होगा। तो रनिंग करते हुए 10-12 मिनट लगता है मेरे को, या ज़्यादातर 15 मिनट लगेगा। तो फटाफट अपना स्टार्ट करते हैं रनिंग और चलते हैं ग्राउंड। फ्रेंड्स, रनिंग कंप्लीट हो गया और मज़ा आ रहा है अभी, पूरा पसीना पसीना। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना वर्कआउट ग्राउंड तो पहुंच गए और अब ग्राउंड का हाल दिखा रहा हूं मैं आपको। बहुत ही अच्छा है क्योंकि बारिश लगातार हो रहा है, तो पत्ता वगैरह जो भी गिर रहा है बह जा रहा है। एक्चुअली पत्ता और फूल का ही रहता है जिससे गंदा हो जाता है ग्राउंड, लेकिन बारिश से बह जा रहा है तो फिर गंदा तो होगा नहीं। जय भवानी। हम आ गए, देखो ग्राउंड। और इधर हम लोग खेती करने का सोचे हैं, इसलिए मट्टी खोद रहे हैं। इसमें उगाया जाएगा कुछ कुछ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. आज का एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग ऐसे कोर के थोड़ा सा यहाँ ग्राउंड कोर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खेती करेंगे। बस यहाँ पे एक्सरसाइज करने का तरीका हम लोग बदला है, थोड़ा सा एनर्जी आएगा। इसको एक कार्डियो बोल सकते हैं, ये भी कार्डियो और बॉडी में एनर्जी आता है इसको करने के बाद। थोड़ा सा ऐसे बॉडी को थकाना ज़्यादा सही होता है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और मिलता हूँ मैं आपसे कल। और कल वाला वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला, और हाँ 100 पुशअप तो करूँगा मैं शाम में, तो वो वाला भी वीडियो देखना आप। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय, जय हिंद, जय भवानी, बाय बाय ग्राउंड।